So I spent $20 for a gift card for you guys, so you can go on a date. ओह सो यू प्लान्ड अ डेट. ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसने मेरे लिए और इनके लिए डेट प्लान करी है. इसने क्या कुछ नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग. आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ. बस अब स्कूल के बाहर पहुंच चुकी हूँ और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी बज चुका है 8 और 8 बजे मेरी जॉब शुरू हो जाती है और मैं ऑलरेडी टाइम से कुछ देर पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मुझे रश नहीं करना पड़ रहा. तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाते हैं. जय माता दी. तो गाइस स्कूल फिनिश हो चुका है और अभी मुझे याद आया कि मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है. तो बस मैं स्टोर आ चुकी हूँ, इंडियन स्टोर. तो घर के लिए कुछ सामान लेती हूँ, घर जाके मुझे चाय बनानी है और मुझे लग रहा है कि थोड़े सब्जी वब्जी के लिए मुझे थोड़ा सामान लेना है. तो वो जल्दी से पिक करते हैं और घर जाते हैं और चाय पीते हैं. और सो दिस इज ऑल आई बॉट. और बस अब निकल रहे हैं घर की तरफ और भाई थक चुके हैं, घर जाके चाय पीने का बहुत मन कर रहा है. जल्दी से पहुंचते हैं घर, पीते हैं चाय, वो भी खुद के हाथों की बनी, क्योंकि कोई नहीं है चाय बनाने के लिए, मैं ही बनाऊंगी. अभी घर जाके चाय भी बनानी है, बहुत सारे काम करने और शायद मुझे कोई एक स्टोर भी जाना है शाम को, वहां पर भी काम है. तो काम ही काम है. बट अच्छी बात है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो काफी हेल्प मुझे मिल जाती है उनसे. तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आपके दोस्त की तरह हो जाते हैं, तो अब दे आर लाइक माई फ्रेंड्स. तो ये आराम हो गया. नहीं तो पहले छोटे बच्चे हो, आप अकेले जा नहीं सकते छोड़ के. तो अभी वो घर पे हैं, नाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. तो उस चीज का बहुत आराम होता है. और मौसम आप देख सकते हो सच्ची बहुत अच्छा है. बस अब मन कर रहा है जल्दी से घर पहुंच जाऊं, बिकॉज सुबह से लेकर शाम के बाद, मतलब जब सुबह से आप निकलते हो स्कूल और इस टाइम आई थिंक जब ये 3:30-4 बज जाते हैं ना, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, मेरी चाय, मेरा टीवी और मेरा रूम. दैट्स इट. आई डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज वो टाइम मेरा मी टाइम होता है. बस बच्चों को खाना दूंगी और अपनी चाय बनाऊंगी और आई जस्ट टेक रेस्ट 1-2 घंटे के लिए. तो चलिए आपसे घर पे मिलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं घर. अगर आप देखोगे सारे मेल बॉक्स के अंदर ना वो होता है, स्कूल लिड वगैरह होता है. हमारे का तो ये टूट चुका है पूरा, तो हमें नया ऑर्डर करना है. बट इसका फ़ायदा उठा रही हैं चिड़िया, यहाँ बना चुकी हैं घर और यहाँ आ गई हमारी सारी चिट्ठियाँ जो हमें लेनी है और उनको लेके चलते हैं. अभी ग्रोसरी भी निकालनी है, बहुत सारे काम है और मौसम देख लीजिए हमेशा की तरह बढ़िया. और यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ गिर गई हैं. अब मैं कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि ये चिट्ठियों को उठा पाएँ. तो डू यू वांट टू ईट ढोकला, डू यू वांट टू ईट वड़ा पाव. एक बड़ा पाव की कीमत अब देखिए $4, लूट मचाई हुई है. और इस ढोकले की कीमत है $4. और यहाँ हमने लिए हैं समोसे, ये भी बच्चों के लिए लेके आई हूँ मैं. पर बाकी चीज़ें होंगी बाद में, सबसे बनेगी पहले मेरी चाय. रसोड़े में कौन था? मैं थी. और रसोड़े में मैं क्या कर रही हूँ? चाय बना रही हूँ भाई, चाय बनाऊंगी और साथ में ढोकला खाएंगे मज़ेदार. घर आ चुके हैं, घर की हालत देख लीजिए, जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल ही वैसा ही है. और ये फूल जो है वैलेंटाइन वाले, ये भी अपना काम चला रहे हैं. घर आ गए पर घर में कौन है? इन सब से मिलने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ चाय. तो चलिए काम हम करते हैं, चाय बनाते हैं, रसोड़े में रहते हैं और फिर मिलते हैं. तो गाइस टिया भी ऊपर से आई है और कह रही है कि मम्मी आपके लिए कुछ सरप्राइज है और देखिए आपके लिए, पापा के लिए, नीतू के लिए. तो लेट्स सी, टिया यहाँ वेट कर रही है. 1, 2, 3 टिया. दिस वन्स फॉर यू एंड पापा. सो आई गॉट $50 फ्रॉम द थिंग एंड द टेस्ट आई टुक. So I spent $20 for a gift card for you guys, so you can go on a date. Oh, so you planned a date. ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसने मेरे लिए और इनके लिए date plan करी है. इसने क्या कोई quiz जीता है? I did a test for 3 hours and then I got. Oh, three hours के लिए इसने कोई test दिया और उसके बाद इसने $50 जीते. और नित्तू के लिए digital gift card $5 से इसमें बहुत आ जाता है. Wow, नित्तू, you got Xbox from दीदी. नित्तू. She bought a gift card for you. She bought a game, Xbox. Didi, look, Xbox. I spent $500 we got, okay. Oh, my sister said thank you, whatever it is. What did you get? I got Xbox gift card. Because $5, bro. Nitu, फिर भी यार ये गलत बात है यार. I could have spent it on myself. Yeah, hug कर दो ना बेटा, thank you बोलते. ये देखिए $5 यार, कीमत नहीं देखी जाती यार, उसका प्यार देखो, किसे कर दो यार बेटा. नित्य माई कौन, मैं $5 ये लोग अब लड़ाई करे कि $5 का कौन लेता है ना, गलत बात है. थैंक यू. मेरा दिखाओ जरा, मैं पापा को दिखा दूँ.
थैंक यू सो मच। ऐसे देखिए यहाँ पे आलू पराठा, दही और ये समोसा जो मैं लेके आई थी अभी, तो अभी चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद ये अमेजोन का कोई पैकेट आया हुआ, देखते हैं इसमें क्या है। ये सब अपना अपना कुछ मंगा, ये क्या किया हुआ है? वो जो है ये दिस इज कॉल्ड ओरिगामी पेपर, उससे वो जो बनता है ना, अच्छी ऑर्डर है। दिस इज फॉर हर गर्ल स्काउट, तो ये नित्या का ड्रेस है जो उसको गर्ल स्काउट में पहनना है, और ये ओरिगामी पेपर है जिससे वो कुछ बनाएगी, और जब बनाएगी तब मैं आपको। तो गाइज अभी बहुत सारा काम करके ऊपर आ गए, और आप ये देखिए हमारा जो ये वाला कमरा है, इसको तो हमने लग रहा है बिल्कुल तबेला बना दिया। अभी हमें सारा साफ करना, इसमें इतने सारे कपड़े हैं पूछे मत। कपड़ों का तो आई थिंक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम ही कपड़ों का होता है, और स्कूल टू बी काइंड के कमरे में हम जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये शी मेड दिस वन, तो आप देख सकते हो ये सारा मेरा थोड़ा बहुत जो मेकअप मैं करती हूँ, परफ्यूम्स वगैरह जो भी हैं, इनको मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, जो भी है थोड़ा वहाँ पे रखा हुआ है, बड़े दिन से मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि कई बार हमें टाइम नहीं होता, हम सब कुछ एक साथ डाल देते हैं, और बस अभी यही सब करती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी जल्दी से मैं ये थोड़ा सा सेट करती हूँ, और फिर आपको एक चीज़ बिफोर आई स्लीप आई विल शो यू कि आप अपनी स्किन में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्या कर सकते हो, दैट विल बी गुड एंड हेल्पफुल फॉर योर स्किन। और यहाँ पे मैंने अपना जरा मेकअप और ये थोड़ा ज्वेलरी वगैरह थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड कर ली। तो भाई अभी सारे काम हो चुके हैं, और अब मुझे बहुत दिन पहले ये जो एक मास्क है बहुत नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, और मुझे काफ़ी दिन पहले मिला था स्टोर से, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको बस क्या करना है, इसको आपको उपटन की तरह लगाना है, और बस ऐसे रब कर लो क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, ड्राई हो चुका है, तो बस व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना पुट इट एंड वॉश माय फेस। आई नो मैं थोड़ी खतरनाक लग रही हूं, पर डरिएगा नहीं, इसको बस थोड़ी देर के लिए अपने मुंह पे अच्छे से रब कर लीजिए, ताकि जो भी आपकी डेड स्किन है, और विंटर्स में आपको थोड़ा सा स्किन केयर थोड़ी करनी चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं कर पाती, बट जब भी मिलता मैं कोशिश करती हूँ करूँ। तो गाइस अभी मैंने टी शर्ट बदल ली है, थोड़ी सी गीली हो गई थी क्योंकि हमने मुंह धोया था, और उसके बाद मैं थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ जो अपने फेस पे, आपके हाथ साफ होने चाहिए, और कॉटन पे थोड़ी सी क्रीम लेके अपने स्किन को जो भी बाकी अगर रह गया है कुछ अच्छे से आप क्लीन कर लो, उसके बाद भी आप देखो कि कितना पूरे दिन का जितना आपका डस्ट होता है, तो यू मेक श्योर कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। तो एक क्रीम बताऊंगी जो मैं यूएस में जब से आई हूँ, आई थिंक मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत ही बेसिक है और बट इट्स वेरी गुड, इट्स अ डेली मॉइस्चराइजर, अगर मुझे ज़्यादा कोई क्रीम सूट भी नहीं करती तो मैंने हम ज़्यादातर हम फैमिली में यही वाली करते हैं, इट्स वेरी गुड, और आई थिंक अगर इंडिया में भी अगर आप ट्राई करना चाहो, अवीनो की क्रीम है और बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। जब ये हो जाए उसके बाद हम लेंगे ये विटामिन ई के कैप्सूल, इट्स आल्सो वेरी गुड आपकी स्किन के लिए, तो एक कैप्सूल लीजिए। तो ये कैप्सूल लिया और मैंने इसको थोड़ा टिश्यू में रख के ऐसे ब्रेक कर लिया, क्योंकि और ये देखिए अब इससे जो भी लिक्विड आ रहा है, अब ये देखिए थोड़ा सा स्टिकी होता है, और इसको अपनी स्किन पे अच्छे से लगा लीजिए, और बस एंड लेट इट, इसको फिर ऐसे लगा के ना, मतलब मैं ये बता रही हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, जो मैं अपनी स्किन पे करती हूँ आपको वही बता रही हूँ, बट इससे अगर कोई फ़ायदा अगर आपको ना भी हो, बट इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो विटामिन ई इज़ वेरी गुड, आई फील सो हेल्दी एंड फ्रेश। बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, बट अपनी स्किन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी और सो जाऊंगी, एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, जय माता दी।